हे राम, तुम्हारी तुम्हारा जन्म तारा माता के जन्मदिन के दिन हुआ है और तुम्हें संसार को तारने के लिए जन्म लियो। जो भी राम का नाम लेगा वो तर जाएगा। हम जन्म से लेकर देखते हैं मृत्यु का, हम शव यात्रा में जाते हैं तो भी राम नाम सत्य है का नाम लेते ही जाते हैं। इसलिए तरने के तारने वाले को राम कहा गया है। और वो तारने वाले राम हमारे लिए, उन्होंने कितना कष्ट होगा, उनके परिवार ने कितना कष्ट होगा, ये सब हम लोग जानते हैं। ऐसे रामचंद्र जी का जीवन जब समाप्त हो गया, वो त्रेता युग था और बाद में आया द्वापर युग। लेकिन रामचंद्र जी के काल से लेकर वो जो काल गुजरा, सब लोग एकदम निठुर जीवन जीते थे। यानी कैसा भाई, एक पत्नी व्रत से रहना, किसी को सताना नहीं, हम बहुत एकादशी के व्रत के साथ रहना, किसी को दुख देना नहीं, ज़्यादा हंसना नहीं, ज़्यादा खेलना नहीं, अरे इस प्रकार का निष्ठुर जीवन जी रहे थे। सुखी थे, लेकिन ऐसा जीवन जिसमें अल्लाह संतोष नहीं, कुछ नहीं। बाद में भगवान विष्णु ने देखा कि ये क्या जीवन जी रहे हैं, भारत के लोग जी रहे हैं तो ये कैसा जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब अगला जन्म लूँगा। तो जन्म लेने से पहले जैसे कृष्ण प्रजापति को और उनकी पत्नी को वचन दिया था वामन अवतार में कि मैं तुम्हें अगले जन्म में तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँगा, और वही वसुदेव देव की हुए और उनके गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण का जन्म पहले जैसा ही हुआ, कृष्ण ने अपने साथ साथ बहन विंध्यावासिनी को जन्म देकर कहा शक्ति के रूप में, बहन के रूप में तुम यहाँ विराजमान हो जाओ और मेरी सहायता करो, जब तक मैं मेरी शक्ति का वास मेरी शक्ति के साथ नहीं होता तब तक माँ तुम बहन के रूप में तुम मेरी साथ देना। विंध्यावासिनी उनकी बहन कहलाई जाती है। जबकि कृष्ण को, कृष्ण का जन्म हो रहा था तो उस समय वासुदेव जी ने कृष्ण को अपने सर पर उठाकर जाकर गोगली में यशोदा मैया के बाजू में रख दिया और उनके पास जो कन्या थी वो इधर लाई गई। ये कहानी है, आप जानते हैं। और कन्या को जब लाई गई तो कंस को पता चला कि बहन को बच्ची पैदा हुई, जबकि बच्चा आठवा तो बच्चा पैदा होने वाला था लेकिन बच्ची पैदा हुई, फिर भी इसमें कोई माया है ऐसा समझकर जब उस बच्ची को उठाकर टपक कर मारने लगे तब वो आकाश में उड़कर कहा गई, आकाश में उड़ गई और कहा कि हे कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है और वहाँ वहाँ है। अब उसको डर लग गया कंस को कि मुझे मारने वाला पैदा हो गया, तो कहा तो उसने सभी अपने गुप्तचरों को भेज दिया कि जहाँ जहाँ छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए वहाँ उन सभी को मार के आ जाओ। आपको पता है उसके बाद उनके पास से पुत्रा गई, कृष्ण के पास गई, कृष्ण ने उनका स्तन चूसा और पुत्रा मर गई। इस प्रकार कृष्ण अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। कृष्ण ने बहुत सारे राक्षसों को कल्याण, नाग का मर्दन किया, बकासुर का मर्दन किया, बक देवता थे दोनों पिंड में एक क्षण को, गंधर्वों का भी उद्धार किया। इस तरह कृष्ण आगे बढ़ते हुए कंस को जब मार दिए तो 16,000 गोपिकाएं बाहर आईं। इससे पहले कि कृष्ण कंस को मारने से पहले अपने गुरुकुल में शांतिपुरी महामुनि के पास गए थे। शांतिपुरी महामुनि के पास जो उनके गुरु थे, और मैंने इससे पहले भी आपको बहुत बार बताया कि जो गुरुदक्षिणा भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु को प्रदान की वैसी गुरुदक्षिणा आज तक संसार में किसने प्रदान, किसने भी नहीं दी। क्योंकि कृष्ण ने विद्या दान देने के बाद सब लोग यूं ही जा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने कहा प्रभु आप जो कहेंगे वो दान, वो दक्षिणा अगर मैं आपको दूँ तो मुझे इस विद्या का आपके पास सीखा हुआ फल मुझे प्राप्त हो। अगर आपको आपकी इच्छा पूर्ण रूप के इच्छा के रूप से मैं दक्षिणा नहीं दे सका तो मुझे विद्या नहीं चाहिए, आपने जो विद्या मुझे सिखाई है वो विद्या मुझे नहीं चाहिए। शांतिपुरी महामुनि बहुत कहलाते गए कि भाई तुम्हारे से मैं तृप्त हूँ, तुम अच्छे हैं, तुम्हारे से मैं तो बहुत तृप्त हूँ, मुझे कुछ दक्षिणा तुमसे नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे महान भाग्यवान कृष्ण जो मेरे पास विद्या सीखे इसका ही मुझे गर्व है। लेकिन कृष्ण जिद कर रहे थे कि मैं तुम्हारी दक्षिणा जब तक नहीं दूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब शांतिपुरी महामुनि ने कहा कि अर्धांगी भी गुरुतुल्य होती है, गुरु माता होती है, अब तुम मेरे से तो हो गया, माता से पूछा अगर उसकी कोई इच्छा है तो वो दक्षिणा दे दो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तो माता के पास जब गए कृष्ण और पूछने लगे तो माता ने कहा कि हे कृष्ण अगर तुम कुछ कर सकते हो तो मेरे दुख को दूर कर सकते हो तो बोलो, मैं तुम्हें दक्षिणा के रूप में वही चाहती हूँ। माँ कहो मैं सौभाग्य समझूंगा कि अगर मैं तुम्हारी दुख दूर करके दक्षिणा दे सकता हूँ तो मैं भाग्यवान समझूंगा, मैं यह विद्या का विद्या को प्राप्त करने वाला कहा मानूंगा। तब माता ने कहा कि 8 साल पहले मेरा पुत्र समुद्र के किनारे गया था उनके मित्रों के साथ, लेकिन वो समुद्र में डूबकर मर गया।
मुझे वही पुत्र चाहिए, क्योंकि अभी हमको पुत्र होने का कोई चांस नहीं है, मुझे वो पुत्र चाहिए। ये तो असंभव कार्य था, असंभव कार्य ने आज तक हुआ नहीं था, किसी ने मृत पुत्र को फिर जीवित लाकर वही पुत्र को देना, यह एकदम असंभव बात थी। तब कृष्ण ने कहा, माँ अगर ये लक्षण मैं तुम्हें दे दूं तो ही मैं तुम्हारा शिष्य कहलाऊंगा, संदीप में मामले का शिष्य कहलाऊंगा और संसार में करूंगा, नहीं तो मैं ये विद्या सारी यही जीवन भर तुम्हारी सेवा करते हुए यहीं रहूंगा, मैं विद्या को लेकर नहीं जाऊंगा। कृष्ण गए और उस समुद्र के किनारे गए, वहां शंखचूड के रख समुद्र को जब ललकारा तो समुद्र ने कहा कि मैंने उनके पुत्र को नहीं मारा, शंखचूड नाम का एक राक्षस इसमें रहता है, उसने उस तुम्हारे गुरु के पुत्र की आत्मा को अपने पास रख लिया है और वो उसके साथ है। कृष्ण समुद्र में कूद गए, शंखचूड़ के साथ युद्ध हुआ, शंखचूड को मारा और जब उनके उस आत्मा को लेकर बाहर आए और उन्होंने कहा कि अब क्या करना है, तो उन्होंने एक मिट्टी का सेम टू सेम पुत्र वैसा ही उसी तरह का पुत्र मिट्टी का बनाया और उसमें उस आत्मा को रखते हुए जो उनके गुरु ने उनको विद्या दी थी उसके साथ उस मिट्टी पर हाथ रखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कहा कि तुम चैतन्यवान और जागृत हो जाओ, तुम जिंदा हो जाओ। कृष्ण की यह प्राण प्रतिष्ठा इतनी श्रेष्ठ थी कि वह पुत्र जैसा था वैसा जागृत हो गया और उस पुत्र को लेकर जब वे सभी शिष्य थे, कृष्ण क्या असंबद्ध बात कर रहा है, कहीं मृत पुत्र को ला सकते हैं क्या, सभी शिष्य देख रहे थे कि कृष्ण लाएगा किसा, और कृष्ण जब पुत्र को लेकर लौटे तो उनके माता का सांदीपनी यानी गुरु माता का इतना आनंद हुआ कि उसके आनंद का पारावार नहीं रहा, उन्होंने आनंद के साथ कृष्ण को गले लगा लिया और कहा कि जब तक सूर्य चंद्र है पृथ्वी पर हे कृष्ण तुम्हारा नाम लेकर सभी श्रेष्ठता के साथ जाए, क्योंकि जो दक्षिणा तुमने गुरु को प्रदान की है ऐसी दक्षिणा आज तक किसी ने प्रदान नहीं की गुरु को, और तुम जो बात तुम कह के गए हो कि जो गुरु चाहता है वो दक्षिणा दे रहे हो, लोग अपनी दक्षिणा अपनी तरफ से देते हैं लेकिन बिना गुरु दक्षिणा की विद्या को लेना बहुत गलत बात कही गई है, तुमने जो दक्षिणा दी है वो संसार में आज तक किसी ने नहीं दी और उससे हम प्रसन्न हैं। तो सांदीपनी महामुनि और माता ने दोनों ने कृष्ण को आलिंगन करते हुए कहा कि कृष्ण जब तक तुम इस संसार में हो तब तक श्रेष्ठता के साथ जियोगे। तब कृष्ण ने सांदीपनी महामुनि से कहा, प्रभु मैंने आज तक देखा है राम अवतार हो परशुराम अवतार हो सारे में दुख ही दुख है, एक बार मुझे आशीर्वाद दे दो, एक बार मुझे ऐसा कर दो कि जो भी मेरे संगत में आएगा जब तक मैं जिंदा हूँ जो भी मेरे साथ आएगा उसको कभी दुख नहीं होगा, आनंद के साथ आनंद और पूर्ण सुख और आनंद के साथ जीवन बिता सकेगा, ऐसा ऐसी कोई विद्या ऐसा ऐसी एक ऐसा एक वरदान दे दो जो भी मेरे साथ रहेगा वो सुख अनुभव करेगा, उसके जीवन में दुख नहीं होगा, सारे दुखों को मैं ले लूंगा और उसको सुख प्रदान करूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे माता पिता बंधु सखा जो कोई भी मेरे साथ है वे आनंद के साथ जिएंगे, ऐसा वरदान मुझे दो। तब सांदीपनी महामुनि ने कहा, हे कृष्ण गत जन्म में तुम राम अवतार में तारा जिस दिन जन्म ली थी उस दिन ली और तुमने सारी शक्ति सहने की बात की थी, तारा सारे दुखों को सहने की शक्ति देती है और उस उन दुखों को भी सहने में आनंद के साथ सकते हैं, कभी सीता जी ने भी हो या रामचंद्र ने कभी ये नहीं कहा या भरत ने शत्रुघ्न ने कभी ये नहीं कहा कि हम दुख भोग रहे हैं, वो हर क्षण वनवास में भोगते हुए कहते थे कि हम श्रेष्ठ हैं और ये श्रेष्ठ स्थिति केवल तारा की शक्ति के कारण उनके जीवन में आई कि कभी उन्होंने कष्ट न हो गया। सीता माता भी रामचंद्र जी ने गर्भवती स्त्री को छोड़ा लेकिन आप देखो कभी कि सीता माता ने उस गर्भवती स्त्री को जंगल में छोड़ने के बाद में सीता जी ने रामचंद्र जी के विरुद्ध एक बात भी नहीं कही, उसे सहन शक्ति की एक पराकाष्ठा कहा जाता है। आज अगर पति अपने को थोड़ा भी गाली देता है तो हम पलट के बाल देते हैं या पति भी पत्नी को उसी तरह करता है, ये आज का संसार है लेकिन उस समय में ऐसा नहीं हुआ और वो सहन शक्ति तारा के माध्यम से आई और उन्हें सभी सुख दुखों को सहते हुए राज्याभिषेक भी किया, राक्षसों का संहार किया और श्रेष्ठता के साथ जिए। रामचंद्र जी का नाम आज भी हम राम का नाम लेकर आनंद अनुभव करते हैं और राम का नाम लेना एक तारक मंत्र है, चाहे तैलत स्वामी हो रामकृष्ण परमहंस हो ये सब भी राम मंत्र से ही उनका उद्धार हुआ ऐसा कहा जाता है। जब ये बात कृष्ण ने अपने गुरु से कही कि हे प्रभु मैं उस आनंद को सबको देना चाहता हूँ जो गत जन्म में नहीं दे सका, मैं भी आनंद के साथ रहूं और मुझे मेरे साथ जो भी रहते हो वो मेरे साथ आनंद और सुख अनुभव करे, आनंद अनुभव करे, श्रेष्ठता के साथ जिए, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे साथ जो भी रहे वो आनंद के साथ रहे, ऐसा मुझे वरदान दो। तो संदीपनी महामुनि कहते हैं कि हे कृष्ण मैं तुझे एक बात कहता हूं, वो तारा थी जो सहन शक्ति की देवता थी जिसकी उपासना रामचंद्र जी ने की थी, आज मैं तारिणी का मंत्र देता हूं